रेन एटीन्यूएशन हायर फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेन एटीन्यूएशन का मतलब होता है कि जब हम सिग्नल भेजते हैं तो पानी के कारण, क्योंकि पानी जो होता है उसमें स्ट्रेटिफाइड हो या और तरीके का हो, तो वो आपके सिग्नल को या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या स्कैटर कर देता है। तो इससे क्या होता है, सिग्नल स्ट्रेंथ में कमी आती है। अगर हाई फ्रिक्वेंसी है, हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि आप 10 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, अगर आप किलोहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज के बारे में बात करेंगे तो रेन एटीन्यूएशन उतना नहीं होता है। केवल आप जो फ्री स्पेस लॉस है उसको यूज़ करके अपना लिंक बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है जब हम ट्रोपोस्फेरिक पे जाते हैं या आयनोस्फेरिक पे जाते हैं और हम फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो KU बैंड पे ले जाते हैं, 10 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा ले जाते हैं, तब हमें ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो एटीन्यूएशन जो होता है इसका मतलब ये है कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड, सिग्नल की इंटेंसिटी या सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो रही है। मान लीजिए आप यहाँ से ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो है सिग्नल इसके दरमियान जा रहा है, यहाँ पानी भी है, यहाँ पर हेल भी है, यहाँ पर आप ये कहें कि बर्फ भी है, क्योंकि ऊपर जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, 0 डिग्री पे आपको बर्फ मिलेगी। तो इस तरीके से आप जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पानी मिलेगा। पानी क्या कर सकता है, पानी का इस तरीके से होता है पानी, तो अगर जब ये नीचे गिरता है, बरसात जब गिर रही होती तो पानी कुछ इस तरीके से होके गिरता है, इस तरीके से होके नहीं गिरता है। तो जब ये इस तरीके से गिरता है तो ये आपके पोलराइजेशन को भी रोकेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन को भी रोक देता है। तो इससे क्या होता है, सिग्नल में स्ट्रेंथ में कमी आती है। जैसे मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन भी कर लेता है ये और स्कैटरिंग भी कर देता है। अगर पानी की जैसे रेले माई वगैरह हमने स्कैटरिंग देखी है तो रेले एंड पे काफ़ी इसमें स्कैटरिंग हो जाती है। तो ये जो एटीन्यूएशन है या जो कमी है सिग्नल स्ट्रेंथ की, इसको निकालना बहुत आवश्यक होता है, खासतौर पर जब आप हायर फ्रिक्वेंसी रेंज में जा रहे होते हैं। तो आप अगर ये सवाल उठाएं कि भाई क्यों आप हाई फ्रिक्वेंसी बैंड पे जाते हैं और क्यों हमको रेन एटीन्यूएशन या रेन के कारण जो कमी हो रही है सिग्नल में उसको क्यों जानना ज़रूरी है, उसका उत्तर फिर से वही देता हूं मैं कि अगर आप 10 गीगाहर्ट्ज से ऊपर जा रहे हैं तो आपका जो फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो गई, फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो गई, यानी कि फ्रिक्वेंसी जब बहुत कम हो गई तो ये जो है पानी के जब भी संदर्भ में आएगा या फिर इसके संपर्क में आएगा आपका जो सिग्नल है वो कहीं ना कहीं से अब्जॉर्ब होगा या फिर वो स्कैटर होगा या जो भी इसमें परिस्थितियां बन रही हैं इसमें हमेशा सिग्नल में कमी आएगी। और इसीलिए हमको रेन एटीन्यूएशन, अगर हम कोई सैटेलाइट लिंक बनाना चाह रहे हैं या फिर और नेविगेशन करना चाह रहे हैं तो ये रेन आपको बहुत जानना जरूरी है कि रेन के कारण क्या कमी आ रही है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो शेप है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, स्फेरिकल मान के चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इस जब पानी नीचे आता है तो इसका जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है, और जैसे ही वेव आगे बढ़ेगी, इस तरीके से आगे बढ़ेगी तो इसका जो इंटेंसिटी है कम होगी, क्योंकि इंटेंसिटी कम होना वाजिब भी है। उसका कारण क्या है, वो कम इसीलिए होती है क्योंकि ये रेन जो है इस पर इफेक्ट करती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो गई है। हर एक ड्रॉप जो है वो, क्योंकि एक ड्रॉप नहीं है, हजारों लाखों ड्रॉप है, तो सारे के सारे ड्रॉप जो है जो भी क्रिएट करती हैं आप कहें एटीन्यूएशन, उन सबको जोड़ना पड़ता है, वो एडिटिव है। ध्यान रखिएगा कि ये जो एटीन्यूएशन होता है, रेन एटीन्यूएशन, ये आपका स्टैटिस्टिकल है, ये आपका डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। स्टैटिस्टिकल यानी कि समय के अनुसार निकालते हैं और ये स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से होता है, जो हमारे पास वैल्यूज है उसके हिसाब से आज क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ, साल भर पहले क्या हुआ, इस तरीके से निकाला जाता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें जानना जरूरी है। एक स्पेसिफिक एटीन्यूएशन होता है, एक एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी होती है, स्लैंट पाथ लेंथ होता है, हॉरिजॉन्टल रिडक्शन फैक्टर होता है, वर्टिकल एडजस्टमेंट फैक्टर होता है। अगर इसका डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करूं, अगर ITUR मॉडल ले तो आप देखिए कि उसमें केवल आपका जो टर्म्स आते हैं K और अल्फा आते हैं, ये सारे ये दोनों रिग्रेशन फैक्टर हैं। और आप रेन यानी कि K इस तरीके से आपका जो रेन रेट होगा और उसके अल्फा इस तरीके से बनता है। इसको ये इसका फिगर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लीजिए कि आपको मीन सी लेवल से आपके एंटीना की हाइट जो है वो मान लीजिए यहाँ से इसकी हाइट आपकी कुछ HS है और ये आपका जिसे फ्रीजिंग लाइन कहते हैं या मेल्टिंग लाइन कहते हैं वो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए HR है। तो ये जो लाइन है इसको हम स्लैंट, इसी को हम स्लैंट पाथ लेंथ कह रहे हैं, ये वाली स्लैंट पाथ लेंथ होती है। अब ये थीटा है, मान लीजिए ये एलिवेशन एंगल है, तो ये L निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये कितना हाइट होगा कुल मिला के, यहाँ से यहाँ तक तो HR है, यहाँ से यहाँ तक HS है, तो
तो ये हो जाएगा एच आर माइनस एच एस, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एच आर माइनस एच एस बाय आपका एल, तो एल निकालना है तो क्या करेंगे आप, एच आर माइनस एच एस बाय एल। ध्यान रखिएगा थीटा अगर लेस देन 5 डिग्री है तो अलग होगा, थीटा ग्रेटर देन 5 डिग्री है तो अलग होगा, उसके लिए और स्पेसिफिक फॉर्मूला है, लेकिन मतलब मोटे तौर पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आई टी यू आर का जो मॉडल है, जैसे मैंने आपको बताया के और आर की पावर अल्फा, इसमें जो ये ए जो निकाला जा रहा है ये एटेन्यूएशन है। अभी एटेन्यूएशन जो होता है डेसिबल डीबी पर किलोमीटर के हिसाब से निकाला जाता है। रेन रेट जो इसमें आ रही है, रेन रेट क्या होता है कि किस, जैसे अगर आप एक पॉट रखें या ये कहें जग रखें, उसमें से पानी टपक रहा है ना, पानी भरते जा रहे हैं, पानी टपक रहा है, तो जो जिस रेट पे पानी टपक रहा है उसी को रेन रेट कहते हैं। और ये जो रेन रेट है उसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप मौसम विभाग को देखें और बाकी विभाग को देखें तो वो इसको बाकायदा हमको आपको बताता है कि इतनी रेन रेट है, इतनी रेन गिरी है इस समय, इतनी मिलीमीटर पानी गिरा हुआ है, तो वो निकालने के तरीके हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है। उसमें आप जो डायमीटर लेते हैं इसका रेन ड्रॉप का, उसके बाद इसकी कितनी कितना डायमीटर हो गया, कितना ये गिरा, कितना वॉल्यूम है, इस तरीके से चीज़ लेके और फिर आपको इंटीग्रेट करके उसको निकालते हैं। उसमें ये जो डायमीटर होता है उसकी पावर क्यूब होती है, तो वो अलग एस्पेक्ट है, लेकिन हम ये मानते हैं कि रेन रेट हमको टेबल से मिल जाएगा। ये ऑलरेडी क्योंकि स्टैटिस्टिकल है, ये ऑलरेडी निकला हुआ है, ये ऑलरेडी टेबल में है हमारे पास, ITU के टेबल में, उसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो पूरा विश्व है उसको अलग अलग जोन में बांधा गया है। जोन क्या कहें उसको, अलग अलग ABCD ऐसे करके अलग अलग अल्फाबेट दिए गए हैं, तो आपका रीजन किस में आ रहा है ये आपको देखना पड़ेगा, और आपके रीजन के हिसाब से रेन रेट क्या है। और रेन रेट जो है वो बकायदा एक से लेकर 20, 25, 30, 40 GHz तक आपको दी हुई है। इसको आप इंटरपोलेट भी कर सकते हैं, आप रेन रेट निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1, 5, 10 इस तरीके से दिया हुआ है, तो 2 GHz पे भी निकाल सकते हैं, 40 के ऊपर भी निकाल सकते हैं, तो ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि रेन रेट आप आराम से निकाल सकते हैं इंटरपोलेट करके जो चीज़ दी हुई है उसके अलावा भी। और जो के और जो अल्फा है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, के और अल्फा जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे हम कहते हैं रिग्रेशन वैल्यूज। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टैटिस्टिकल तरीका है, तो ये रिग्रेशन वैल्यू है, ये भी हमको टेबल से मिल जाती है, तो ये भी टेबल से मिल रहा है, ये भी टेबल से मिल रहा है, ये भी टेबल से मिल रहा है, तो देखिए स्पेसिफिक जो रेन एटेन्यूएशन है निकालना कितना आसान हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक एटेन्यूएशन लेते हैं और इफेक्टिव पाथ लेंथ हमको इसकी जरूरत पड़ती है, तो ये आपका पावर लॉ रिलेशनशिप है जिससे हम स्पेसिफिक एटेन्यूएशन निकालेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे 1 से लेकर 10 GHz तक आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें KH की वैल्यू क्या है, अच्छा ये K जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, इसी तरीके से अल्फा आपका हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्यों है, क्योंकि पोलराइजेशन भी इसमें आता है। पोलराइजेशन इसलिए होता है क्योंकि अगर रेन ड्रॉप, आप ये समझिएगा कि इस तरीके से रेन ड्रॉप आपकी नीचे आती है, ऐसे नहीं आती है, ऐसे करके आती है, तो अगर आप देखें ये एच है ये वी है, तो एच को बड़ा प्रभावित करती है खासतौर पर हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन को। तो ये वैल्यू मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता रहे कि इसमें करना कुछ भी नहीं है, के एच के है, अल्फा है, और बकायदा हर फ्रीक्वेंसी के लिए आपको के और अल्फा है, और हर इसके लिए आपको रीजन के लिए रेन रेट भी है। तो होता यह है कि जैसे अगर ये डायग्राम जैसे मैंने आपको बनाया था, ये थीटा हो गया, ये आपका यहां तक आपका फ्रीजिंग लाइन हो गई, उसके बाद ये हाइट मैंने बताई थी, और ये थीटा, और ये आपका अल्टीमेटली ये जो स्लैंट हाइट है, उसके बाद ये हाइट निकालनी पड़ती है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये स्लैंट पाथ निकालते हैं, वो तो आपका साइन एंगल से निकल जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन निकालते हैं यानी कि आपको ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिडक्शन फैक्टर निकालते हैं, वर्टिकल एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद इफेक्टिव पाथ लेंथ हो जाता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और वर्टिकल एडजस्टमेंट फैक्टर इन दोनों को निकाल के मल्टीप्लाई होता है। ये भी जैसे मैंने बताया कि ये सारी प्रॉपर वैल्यू है, अगर आपको यहाँ पर आ जाए तो आपके पास ITUR के प्रॉपर फॉर्मूले हैं, उसमें बस रखना है इसको। तो मान लीजिए आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसका रिजल्ट भी देख लेंगे फिर। रेन रेट मान लीजिए कि किसी एक जगह की आपकी 58.43 मिलीमीटर हर आवर में, मिलीमीटर पर आवर निकालते हैं इसको। उसके बाद एलिवेशन एंगल मान लीजिए 43 डिग्री है, और अगर ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन में जा रहे हैं तो इतना बड़ा एंगल नहीं होगा, बहुत छोटा एंगल होता है। लैटिट्यूड जो है अर्थ स्टेशन का, लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश क्या है, किसी भी एरिया में आप हो सकते हैं ना। जैसे अगर मैं इस अर्थ को बनाऊं तो आप देखिए यहाँ पर जीरो पे है, तो जीरो से लेकर जो 23 डिग्री है वहाँ पर अलग कैलकुलेशन होता है, 23 से ऊपर और 23 से नीचे अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है। रेन की हाइट क्या है, यानी कि अगर आप इस जगह पे है तो रेन हाइट यहाँ पर है, यहाँ पर आपका एंटीना है, तो ये रेन हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, तो ये इसके पैरामीटर्स हम लेते हैं। अब ये पैरामीटर लेने के बाद देखिए मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि ये जो रिग्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया था के क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, तो ये है किस तरीके से वेरिएट कर रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट के फ्रीक्वेंसी के साथ। तो फ्रीक्वेंसी के साथ ये एम्पलीट्यूड आपका दिया हुआ है, ये आपका फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ में, तो कैसे ये वेरी कर रहा है आपका
के फ्रीक्वेंसी के साथ। आप देखिएगा जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये और ऊपर की तरफ जा रहा है, एम्पलीट्यूड जो है वो आपकी उसको बढ़ा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे आप, यहां पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट है आपका अल्फा, जैसे मैंने के और अल्फा बताया था ना, तो इसको ये अल्फा है, तो अल्फा हो गया आपका, जैसे के बताया था, तो अल्फा कैसे वेरी कर रहा है। अब आप देखिएगा इसमें कि जैसे आप आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो यहाँ पर अल्फा भी थोड़ा सा इस पॉइंट पे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इसे कम होता है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट है, इसको लेना जरूरी है। यहां पर आपका जो स्पेसिफिक एटेन्यूएशन है, क्योंकि एक एटेन्यूएशन होता है, फिर आपको स्पेसिफिक एटेन्यूएशन निकालना पड़ता है, और जो स्पेसिफिक एटेन्यूएशन है यानी कि जो कमी आ रही है सिग्नल में, सिग्नल स्ट्रेंथ में, अब आप देखिए ये कितनी बढ़ जा रही है, फ्रीक्वेंसी जैसी बढ़ रही है, यही मैं कह रहा हूँ कि 10-20 गीगाहर्ट्ज के बाद, अगर आप 40 गीगाहर्ट्ज के बाद खासतौर पर, क्योंकि यहीं से बढ़ना शुरू हो गया है इस जगह से, जैसी आप फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी, आप देखिए कि यहाँ पर ये इसका एटेन्यूएशन और ज्यादा हो गया है। तो ये आपका स्पेसिफिक एटेन्यूएशन है जो हमने निकाला था, दिखाया था आपको कि वो डीबी पर किलोमीटर में आता है, और जो नंबर्स मैंने आपको दिखाया उसके हिसाब से एक ग्राफ बना हुआ है। अगर आप देखें कि जो इफेक्टिव पाथ लेंथ है, क्योंकि एक तो पाथ लेंथ हमने निकाला था स्टैंड, और उसके बाद इफेक्टिव पाथ लेंथ, इफेक्टिव पाथ लेंथ कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा है, ये भी आप देखिएगा कि जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, इफेक्टिव पाथ लेंथ भी चेंज होने लगता है। तो यही चीजें बता रहा है कि रेन एटेन्यूएशन निकालना कितना जरूरी है, और उसको माइनस करना आपके जो एक्चुअल फ्री पाथ लॉस, जैसे आप माइनस करते हैं फ्री स्पेस लॉस, आपके EIRP और जो एंटीना गेन है रिसीवर का, EIRP प्लस एंटीना गेन माइनस आप फ्री स्पेस लॉस करते हैं, और उसके बाद माइनस करना पड़ता है ये जो आपने अभी रेन एटेन्यूएशन निकालना है। ये आपका वेरिएशन है जो जो टोटल एटेन्यूएशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। इन सबको जोड़ेंगे जब फाइनल फॉर्मेशन में आएंगे आप, तो देखिए किस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एटेन्यूएशन बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे लूँ, मान लीजिए 40 हर्ट्ज पे लेता हूँ, तो देखिए कितना ज्यादा एटेन्यूएशन हो गया है, खासतौर पर डीबी में बड़ी बड़ी वैल्यू हो गई। अब ये जो है एटेन्यूएशन अलग अलग, जैसे प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि 1% कितना है, 0.01 कितना है, 0.5% कितना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी जगह पानी गिर रहा है, अगर आप कहते हैं कि मुझे इसके बारे में बताइए कि मैं 99.99% जाता हूं, अपना मैं एक लिंक बनाना चाहता हूं, 99.99% के लिए मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, आपका जो भी कैलकुलेशन हो वो 99.99% के लिए मेरे लिंक को अप रखे, तो ये वाले परसेंटेज है जिस हिसाब से आपका, जैसे ये देखिए 0.5% के लिए है, ये आपका अलग अलग परसेंटेज के लिए लिया हुआ, ये वाला 0.5% के लिए, ग्रीन आपका ये 1% के लिए है, और ये आप अगर आप देखें ये जो डॉटेड वाला है ये आपका 0.01% के लिए। तो रेन रेट भी जो है वो परसेंटेज वाइज निकाली जाती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर आप जाएंगे तो जो रेन है उसका इफेक्ट बहुत सीवियर होता है। अगर आप 24 घंटे सिग्नल अवेलेबिलिटी चाहते हैं, रेन फेड मिटिगेशन टेक्निक आपको लगानी पड़ती है, और ऐसी कई रेन फेड टेक्निक्स है जिसमें आपको अलग रिसोर्सेज लगेंगे, लेकिन ये एक तरीका मैंने आपको बताया, एक बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की कि अगर आप रेन एटेन्यूएशन में इंटरेस्टेड है तो आपको इस पाथ पे चलना पड़ेगा। तो ये बात हुई रेन एटेन्यूएशन की, खासतौर पे जब